हाय स्टूडेंट्स, लालचंद विज्ञान प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपका ये जो टॉपिक है सभी विद्यार्थियों तक पहुँच पाए जहाँ अभी तक कोर्स नहीं हुआ है, सभी को बेनिफिट मिले। देखो विद्यार्थियों, आपने 1 से लेकर 18 तक बैलेंस सीख लिए। आज जो सीखेंगे वो हमारा टॉपिक है सरल यौगिकों के सूत्र लिखना। सरल यौगिकों के सूत्र लिखना, देखो किस प्रकार से सरल यौगिकों के सूत्र लिखते हैं। हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे संयोजकता हमें पता है, और संयोजकता पता होने के बाद हम तत्वों का प्रतीक यहाँ ऊपर लिख लेंगे और संयोजकता उसके नीचे लिख लेंगे। बिल्कुल सीधा सरल तरीका है जो 9th क्लास के बेस पे हम बता रहे हैं शुरू में किस तरह से सूत्र लिखा जाता है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे प्रतीक चिन्ह और उसके नीचे उसकी संयोजकता लिखेंगे। तो देखो हमने लिखा क्लोरीन की संयोजकता और हाइड्रोजन की संयोजकता। क्लोरीन की एक होती है वो नीचे लिख ली और हाइड्रोजन की भी एक होती है नीचे, और आपको पता हो तो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन +1 और क्लोरीन -1, ये भी लिख सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि किसकी संयोजकता किससे मल्टीपल होगी, मतलब गुणा होगी। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, वो क्लोरीन की संयोजकता से क्लोरीन से किससे क्लोरीन से गुणा हो जाएगी। तीर का निशान इस तरह से लगाया, मतलब ये संयोजकता इसके आगे लगेगी और ये संयोजकता इसके आगे मतलब गुणा में हो जाएगी। देखो किस प्रकार से गुणा में होती है, हम देख सकते हैं। यह आपने लिख दिया H और ये Cl, HCl। अब यहाँ हाइड्रोजन के यहाँ ये क्लोरीन वाला, ये एक हाइड्रोजन, ये यहाँ हाइड्रोजन के क्लोरीन वाला एक आ गया और क्लोरीन के आगे किसका आ गया, हाइड्रोजन की एक संयोजक। तो देखो 1+ की और 1- की संयोजकता है, इसलिए रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, 0। अगर बीजीय योग देखते हैं तो -+0 होता है। तो HCl सूत्र बन गया है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा फॉर्मूला देखो, बैल ऊपर क्या है तत्व का प्रतीक और नीचे क्या है इसकी संयोजकता। हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की 1 है और सल्फर की 2 है। हम लिखते हैं H। अब H क्या आएगी, किसकी संयोजकता आएगी, किससे गुणा करेंगे, सल्फर की संयोजकता को H से गुणा, मतलब ये 2 हो गया। और यहाँ जो हम लिखेंगे अब H2S, S को किससे गुणा करेंगे, हाइड्रोजन की संयोजकता से, मतलब 1 से। तो देखो 1 से अगर किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, इसलिए हम यहाँ S का S ही रहने देंगे, क्योंकि S को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1 S का S ही आएगा। इस प्रकार से हमने 1 को यहाँ नहीं लिखा, केवल सल्फर S जो है वो लिख दिया है, सल्फर का प्रतीक। आपका फॉर्मूला हो गया H2S, क्या हो गया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। अब देखो अगला सूत्र संयोजकता, आप ऊपर ऊपर देख रहे हो प्रतीक चिन्ह कार्बन और क्लोरीन है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, +4। तो यहाँ लिख दिए अपन ने, तो देखो हम लिखेंगे सी, सी के आगे किसकी, सी जो है कार्बन को किसकी संयोजकता से गुणा होगा, क्लोरीन की संयोजकता से। हम इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये कर दिया। अब सी एल किसकी संयोजकता से गुणा होगा, सी एल जो है वो क्लोरीन की संयोजकता से गुणा होगा। तो सी सी एल 4, ये लो ये 4 जो है वो हम क्लोरीन से गुणा कर देते हैं। ये लो सी एल 4, सी सी एल 4। एक का महत्व नहीं है क्योंकि एक को कार्बन से गुणा करेंगे तो कार्बन का कार्बन ही रहेगा, इसलिए सी सी एल 4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यह इस प्रकार से हुआ। अगला सूत्र देखते हैं तत्व का प्रतीक Mg। देखो हमने पहले ही बैलेंसी पढ़ ली है, बैलेंसी में पता है कि Mg की +2 होती है, कितनी होती है +2, क्लोरीन की -1 होती है। अब हम पढ़ेंगे Mg के जो है किस बैलेंसी से गुणा करना है। Mg को देखो क्लोरीन की बैलेंसी से गुणा करेंगे, ये हो गया। क्लोरीन को Mg की बैलेंसी से गुणा करेंगे तो Cl 2 से गुणा हो जाएगा, किससे हो जाएगा 2 से, तो MgCl2 बन गया। ये 2 क्लोरीन से गुणा, 2 को क्लोरीन से गुणा कर देंगे तो Cl2 हो गया, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया भाई। आगे देखो ये प्रतीक चिन्ह है एल्यूमिनियम, अपन ने लिख लिया एल्यूमिनियम जो है वो किस किस संयोजकता से गुणा होगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की संयोजकता से गुणा होगा।
ऑक्सीजन किस हो जाता है, कितनी है दो, हमने गुणा कर दिया। और ऑक्सीजन किस हो जाता से गुणा होगा, एल्यूमिनियम किसे, तो ये तीन कर दिया, Al2O3 क्या बन गया, Al2O3 बन गया। पे अब यहाँ पर काट नहीं सकते बैलेंस शीट को, क्यों, क्योंकि इसकी दो होती है इसकी तीन, अगर ये बराबर होती तो माइनस प्लस जीरो हो जाता, लेकिन एल्यूमिनियम जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे प्लस तीन में है और ऑक्सीजन माइनस दो में है, तो प्लस तीन और माइनस दो ये अलग अलग, अगर यहाँ भी माइनस तीन होता तो हम जीरो कर देते, या यहाँ माइनस दो होता तो भी जीरो। फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं अपन, कैल्शियम की प्लस टू है और ऑक्सीजन की माइनस टू है, तो यहाँ कैल्शियम लिख लिया अपने, और कैल्शियम की जो संयोजकता है, कैल्शियम किस किस संयोजकता से गुणा होगा, ऑक्सीजन किस संयोजकता से गुणा होगा, कौन, कैल्शियम, तो Ca2, फिर ये ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन को भी दो से गुणा। अब हम देख पा रहे हैं कि इसकी प्लस टू इसकी माइनस टू, तो प्लस टू माइनस टू क्या हो गई, ऑल ओवर यहाँ डीजे हो गया, फिर जीरो हो जाता है, इसलिए ये इससे कट गया, ये इससे, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। और अन्य देखो कुछ सूत्र और ले लेते हैं अपन, NaNO3 एक सूत्र लेते हैं, NaNO3, NaNO3 माइनस, इसकी प्लस की होती है इसकी माइनस की होती है, यहां लिख सकते हैं ये प्लस वन हो गया और ये माइनस वन हो गया, तो ऑल ओवर इसका क्या हो जाएगा, NaNO3, NaNO3, अर्थात इसकी प्लस की और इसकी माइनस की, ऑल ओवर ये जीरो हो जाती है कट करके और NaNO3 बढ़ जाता है। दूसरा अपन फॉर्मूला और ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, जैसे कैल्शियम, इसको अपन साफ कर लेते हैं यहाँ पे, देखें कैल्शियम और एक हाइड्रोक्साइड आयन OH, इसकी होती है -1, इसकी होती है +2, तो देखो यहाँ सीखने वाली बात आई है, ये संयोजकता इससे गुणा होगी, ये इससे गुणा होगी, तो हम देखेंगे कैल्शियम को तो एक से गुणा करें ठीक है, लेकिन अब दो को गुणा OH से करना है, यहाँ परमाणु दो रह गए, अर्थात ये द्विपरमाणु आयन है, द्विपरमाणु का मतलब होता है OH-1, OH-1 दो परमाणु मिलकर के एक आयन बना रखे, तो ये जो संयोजकता है वो दोनों से गुणा होगी, अर्थात कोष्टक लगा करके फिर दो बाहर रख देंगे अपन, अर्थात ये दोनों से गुणा हो जाएगा O से और H से, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से गुणा करना है तो हमें क्या लगाना होगा, कोष्टक, तो Ca1 से गुणा हो रहा है और OH ये होल ट्वाइस, मतलब कोष्टक के बाहर टू लगाना होगा, इसकी बैलेंस यहाँ आ गई है। अब हम कह सकते हैं कि दो से दोनों संख्या, दोनों जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो दोनों तत्व गुणा हो रखे हैं किससे, दो से, तो इस प्रकार से हम कोष्ट में बंद करेंगे आप, ये नियम अलग से है, ये सिंगल सिंगल जो तत्व है इनके अंदर कोष्टक की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि गुणा जो है मैं इस दो से इन दोनों तत्वों को करना है, तो कोष्टक में बंद करने के बाद ये दोनों तत्व गुणा में हो जाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस प्रकार से हो जाएगा। और उदाहरण लेते हैं देखो अपन, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, एक ले लेते हैं NH4, अमोनियम क्लोराइड भी ले लेते हैं अपन। देखो Na जो है उसकी एक होती है और CO3 की कितनी होती है, -2 +2, तो ये बैलेंस ही तो इसके पास चली जाएगी और ये इसके पास, तो आप ध्यान दो Na2 और ये आ गया CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2 टू यहाँ आ जाएगा भाई, यहाँ देखो Na2CO3, Na के आगे टू आ गया, मतलब Na को टू से गुणा कर दिया और कार्बोनेट को वन से, Na2CO3 बन गया।
अब है अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं अपन। देखो अमोनियम क्लोराइड में NH4 प्लस की एक वैलेंसी और क्लोराइड माइनस की एक, तो इसमें ये इसके चली जाएगी, ये इसके चली जाएगी, क्या बन जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड। एक लेते हैं अमोनियम सल्फेट, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम सल्फेट का, अमोनियम का अपन जानते हैं NH4 और सल्फेट का होता है SO4-2। सीखने वाली बात क्या है यहाँ पे, यह है कि इसके होती है संयोजकता 1+ की, इसकी होती है -2, ये इधर जाएगी ये इधर, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा फिर NH4, इसको हॉल्ट वाइज में बंद करना होगा क्योंकि 2 से अगर गुणा होगा तो अमोनियम को, पूरे आयन को, अमोनियम आयन को 2 से गुणा करना होगा, फिर लिखना होगा SO4 इस प्रकार से, SO4 अमोनियम सल्फेट बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये सामान्य सूत्र थे विद्यार्थियों जो 9th के अंदर दे रखे हैं। इसमें हमने देख लिया कि अमोनियम जो है NH4+1 में होता है, SO4 जो है -2 में होता है। हमने देखा इसकी जो 2 वैलेंसी है SO4 की वो गुणा में होना चाहती है किससे? अमोनियम आयन से। तो अमोनियम आयन से अपन क्या कर देंगे, गुणा में NH4 और SO4 की जो संयोजकता है वो 2 अमोनियम आयन को गुणा कर देगी और आपका हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस, अर्थात ये 2 इस पूरे को कोष्ठक में बंद करके यहाँ लगा देना है। SO4 की संयोजकता 2 है, पूरे को कोष्ठक में बंद करके बाहर लगा देना है, मतलब इस पूरे को इस 2 से गुणा कर देना है, बाकी ऐसा कैसा लिखना है। ये लो कोष्ठक में बंद कर दिया NH4 कोष्ठक बंद और ये 2 से गुणा, और ऐसा का ऐसा SO4 उतार दो, इसकी संख्या जो है वो है +1, 1 से अगर गुणा करते हैं तो वो क्यों संख्या रहती है, इसलिए इसको रहने दो। इस प्रकार से अमोनियम सल्फेट आपका फॉर्मूला बन जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है शेयर करो जिससे और भी विद्यार्थी है उनको सूत्र बनाना है, सरल जो यौगिक है सरल सूत्र है, आगे भी जब क्लास में पढ़ते हैं तो सूत्र बनाने का हमें पता होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज जो 9th 10th 8th तक चलता है, फिर बाद में आगे आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमें यही इन टॉपिक्स को क्लियर कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।